बकरीद के मौके पर 21 जुलाई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE और BSE बंद रहेंगे। धातु और सर्राफा समेत थोक जिंस बाजार भी बंद रहेंगे। फॉरेक्स और कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में भी कोई ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होगी। 20 जुलाई को सेंसेक्स 354.89 अंक 0.68% की गिरावट के साथ 52,198.51 पर और निफ्टी 120.30 अंक 0.76% की गिरावट के साथ 15,632.10 पर बंद हुआ था। सोमवार की गिरावट की निरंतरता में बाजार और नीचे चला गया और लगभग 1% की गिरावट आई। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बीच बेंचमार्क एक मौन नोट पर खुला। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धीरे धीरे कम होता गया। वैश्विक मोर्चे पर आर्थिक सुधार पर चिंताएं, नए वायरस वेरिएंट के कारण COVID में वृद्धि के कारण भावना प्रभावित हुई। बेंचमार्क के अनुरूप अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांक दक्षिण की ओर मुड़ गए और व्यापक सूचकांकों में भी लगभग 1.4% की तेज कटौती देखी गई। अजीत मिश्रा VP ने कहा, रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग, हमारा मानना कि वैश्विक आर्थिक सुधार पर चिंता प्रतिभागियों को चिंतित कर रही है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसके अलावा घरेलू संकेत भी अब तक बहुत उत्साहजनक नहीं है। संक्षेप में हम आगे की स्लाइड देख सकते हैं और निफ्टी को लगभग 15,450 का समर्थन मिल सकता है। मौजूदा समेकन रेंज का निचला बैंड। इस बीच कमाई व्यापारियों को अवसर प्रदान करना जारी रखेगी। हालांकि हम सुझाव देते हैं कि स्थिति के आकार पर नियंत्रण रखें और रातों रात जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें। हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, NTPC और भारतीय एयरटेल निफ्टी पर शीर्ष हारे हुए थे, जबकि टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL, ग्रासिम और मारुति सुजुकी शामिल हैं। वैश्विक बाजारों में कमजोरी की पृष्ठभूमि में भारतीय स्टॉक केज में गिरावट जारी रही। हालांकि तकनीकी रूप से बाजार 15,600/52,100 के स्तर निफ्टी सेंसेक्स के लिए से ऊपर बंद हुआ। हमारा मानना कि दर्द खत्म नहीं हुआ है और निफ्टी सेंसेक्स आगे बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में 15,450/51,600 या 15,300/51,000 के स्तर तक ऊपर की तरफ 15,680/52,350 और 15,750/52,500 के स्तर बड़ी बाधाएं होंगे। भारत विक्स मई 2021 के बाद से 15% पर सबसे अधिक बढ़ गया है, श्रीकांत चौहान ने कहा, कार्यकारी उपाध्यक्ष कोटक सिक्योरिटीज में इक्विटी तकनीकी अनुसंधान। ACC और एशियन पेंट्स ने निफ्टी -50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की, जबकि बैंक निफ्टी ने 34,600 के स्तर पर समर्थन तोड़कर इंडेक्स को 33,900 के स्तर पर धकेल दिया। जब तक बाजार 15,750/52,500 के स्तर को पार नहीं कर लेता और 15,750/52,500 पर बंद हो जाता है, अल्पविराम कमजोर लॉन्ग पोजीशन को कम करने की रणनीति होनी चाहिए, चौहान ने कहा। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1-1% से ज्यादा की गिरावट आई है। 20 जुलाई को भारतीय रुपया सोमवार के 74.87 के स्तर के मुकाबले 74.95 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद दिन के उच्च स्तर 74.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में सुधार और जोखिम भावनाओं में सुधार के कारण NSE पर USD INR स्पॉट 26 पैसे कम 74.61 पर और जुलाई वायदा 74.71 पर बंद हुआ। उसी समय एकमुश्त कॉर्पोरेट प्रवाह ने USD INR को नीचे धकेल दिया। हो सकता है क्योंकि कल छुट्टी होने के कारण बड़े खरीदारों को बाजार से दूर रखा गया था।
22 मौके पर 74.40 और 75.00 के स्तर के बीच की सीमा का बना हुआ है। अनिंदिया बैनर्जी, DVP, कोटक सिक्योरिटीज में करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ने कहा।